हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि दो मोटर वाला आरसी प्लेन का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं और इसे हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल्स वीडियो। तो अगर नए हैं चैनल पे आप तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक ताकि आपको आरसी प्लेन के अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं कनेक्शन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा कनेक्शन, ऐसे ही हमको करना है। एसी का दोनों जो सिग्नल वायर होता है आउटपुट का, उसे हम एक साथ कनेक्शन करके सिग्नल से सिग्नल और प्लस माइनस को एक साथ करके, जो कि मैं एक से सिग्नल कर रहा हूँ और प्लस माइनस अदर कनेक्शन पोर्ट में मैं लगाऊंगा इसको। यहाँ पे चैनल नंबर 3 में लगा दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं जो अदर चैनल, जिसको मतलब 5 वोल्ट आउटपुट इसको मिले IFP8। और तब इसका AC कनेक्शन करके पूरा जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तभी इसे हम AC में कनेक्शन देंगे बैटरी का। और यहाँ पे हम कैलिब्रेट कर लेंगे पहले इसे, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। काफ़ी सही दे रहा है मेरे को आउटपुट, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से रिस्पॉन्स कर रहा है और इसका एफिशिएंसी 90% तक होता है। सेकेंड तरीका, हम इसे AC का एक पोर्ट चैनल नंबर 3 और एक चैनल नंबर 5 या 6 कोई में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम ट्रांसमीटर का मिक्स ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 5 चैनल, और यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में जाके होल्ड करके ओके का प्रेस बटन, और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जाने के बाद यहाँ पे मिक्सेस है, मिक्सेस ऑन में मिक्सेस ऑन करके मास्टर का चैनल नंबर 3, स्लेव का चैनल नंबर 5 करके पॉजिटिव मिक्स का 100%, नेगेटिव मिक्स का 100%, प्लस में 100%, और ऑफसेट का 43% हम करना है। 40 से लेके 44 के बीच ही हमारा कैलिब्रेट करना पड़ता है। आपका कौन सा मोटर है आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ऑफसेट रखें, जो कि हमारा कैलिब्रेट एकदम प्योर हो जाए। तो इसको मैं कैलिब्रेट बहुत करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं अलग अलग सेटिंग से 43-42 कर करके मैंने काफ़ी ट्राई किया, बट मेरा मोटर ही सही नहीं था इसीलिए मेरा कैलिब्रेट सही से नहीं हो पाया। बट आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, अपना जो सेटिंग सबसे पहले मैंने बताया वही सबसे अच्छा है, वही यूज़ करें आप सब। दोस्तों तो तीसरा तरीका ये है कि हम एक AC लेंगे जो हाई एम्पियर का हो। मेरे पास तो सिर्फ 40 एम्पियर का है, तो इसे हम एक और पोर्ट निकालेंगे इसमें से सोल्डरिंग करके, और इसे हम एक ब्रशलेस का मोटर का AC में देंगे और एक्स्ट्रा जो हमने कनेक्शन किया है उसमें दूसरा ब्रशलेस मोटर का वायर देंगे। इसे हम कनेक्शन करने के बाद एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन चलना चाहिए ताकि हमारा प्लेन जो है स्टेबल रहे। इसका भी एफिशिएंसी मेरे को बहुत ही सही लगा, ये तो मेरे को लग रहा है फर्स्ट वाले से भी अपर लेवल में, एकदम बैलेंस में चल रहा है ये एकदम, देख सकते हैं आप। दोस्तों मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे पूरा फुल वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्टूडियो नहीं है या फिर कुछ भी लैब वगैरह नहीं है। जो भी है मैं डायरेक्टली मैं पूरा वीडियो में दिखाया हूँ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।